हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, चीख उठा कब्रिस्तान। जूली, अब बताओ कि तुमने मुझे यहाँ चर्च में क्यों बुलाया है। जीजस और माँ मरियम को साक्षी मानकर तुमसे यह वचन लेने के लिए इंस्पेक्टर इतिहास कि भविष्य में तुम कानून से खिलवाड़ नहीं करोगे, मुर्दे से इंसाफ नहीं मांगोगे तुम। विचित्र से भाव आ गए इंस्पेक्टर इतिहास की आंखों में। और जूली, देखो जूली, देखो इसे, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था। जानती हो ये क्या है? स्वास्तिक का निशान। नहीं जूली, नहीं, ये सिर्फ एक निशान नहीं है। स्वास्तिक शब्द सु धन अस धन क के संयोग से बना है। सु माने अच्छा, अस माने अस्तित्व और क माने कर्ता, यानी अच्छा करने वाला, अर्थात जो हर प्राणी के लिए अच्छा व मंगल कार्य करे। यानी इस तरह स्वास्तिक इस बात का प्रतीक है कि हम जब भी कामना करें तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हितों के लिए, और इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इसे अंकित किया जाता है। मैंने जिस दिन ये वर्दी धारण की थी, इसे भी धारण किया था कि मैं इंसाफ की खातिर लड़ता रहूंगा, मगर मेरा विश्वास उस समय टूट गया जब मैं खुद कानून के रखवालों को ही कानून से खेलते देखा। एएसपी अजय के गुंडे साथियों ने कानून से बचने के लिए मेरी माँ का अपहरण कर लिया। तब भी जब मैं उनकी धमकियों में ना आया तो उन्होंने मेरी माँ को बेकरी के ओवन में भून कर मार दिया। उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था और कानून की वर्दी में कसा मैं बेबस तड़पता रह गया। तब मैंने पुकारा अपने भगवान को। हाँ एंथनी, सिर्फ मुर्दा नहीं, वो मेरा भगवान है। उपरोक्त घटना को जानने के लिए पढ़े पूर्व कॉमिक्स उठ मुर्दे इंसाफ कर व मेरा भगवान। मगर मैं तुम्हारी इन दलीलों को नहीं मानती। मैं नहीं चाहती कि एंथनी की आत्मा का कोई इस्तेमाल करे और तुम मुझे ऐसा वचन दोगे। आई एम सॉरी, मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे सकता मिसिज एंथनी, और अब शायद मुझे देर हो रही है। दो खतरनाक गुंडे भाइयों को रंगे हाथों पकड़ना है मुझे। दो खतरनाक गुंडे भाई गजानन और बब्बन। गजानन आ गया, बब्बन आ गया। वो इंस्पेक्टर अभी तक नहीं आया, कहीं उसे आने में देर हो गई तो वो गजानन को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएगा। क्यों बे, तेरा ही नाम रंजीत है? तूने ही गजानन के आदमी को हफ्ता देने से मना किया था? हाँ, क्योंकि मैं जुर्म के कीड़ों को पालने के लिए खुराक नहीं दे सकता। अबे सलीम जावेद की औलाद डायलॉग मारता है, रुक जा बब्बन, अपने हाथों को कष्ट मत दे, क्योंकि अब जो कष्ट से होगा उससे ये सारी जिंदगी नहीं निकल पाएगा। नहीं, अगर जिंदा रहा तो। अब कोई डायलॉग नहीं सूझ रहा तुझे? हा, 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 हा। जलती मशाल बन गया रंजीत। इसी पर हवा में लहराया वो जिस्म। उफ, माफ करना दोस्त, पहुंचने में देर हो गई। आज इनके अपराध का चश्मदीद गवाह में खुद बन गया हूं। गजानन, तेरे डर से इलाके के सभी लोगों की आंखें अंधी हो जाती हैं, जुबानों को लकवा मार जाता है, वे तेरे खिलाफ गवाही नहीं देते और इस तरह कटते रहे हैं कानून के हाथ, मगर आज ऐसा नहीं होगा। मगर तुम्हारी मौत की घटना का चश्मदीद गवाह कौन बनेगा इंस्पेक्टर? मैं बनूंगी इन सब घटनाओं की चश्मदीद गवाह। आह नहीं, उफ, तुझे तो हम उस घटना की गवाह भी बनने के काबिल नहीं छोड़ेंगे जो अब तेरे साथ घटेगी। पल्लू खींचकर हिरणी की तरह भाग उठी वह। पकड़ो उसे और उसे अड्डे पर ले चलो। बब्बन के हाथ में थमे रिवॉल्वर से छूटी गोली। बेचारा चश्मदीद गवाह। इधर भागकर भी आई तो सुनसान की तरफ, जहां चीखे सुनने के लिए मुर्दे भी साबुत नहीं होते। एंथनी, ओ मुर्दे को पुकार। एंथनी, ओ मुर्दे को पुकार रही है। इंसान तो हमारा नाम सुनकर आते नहीं, शायद मुर्दा आ जाए। एंथनी, क्यों गजानन के जुर्म की चश्मदीद गवाह बनेगी? आह एंथनी, ले चलो इसे गजानन के पास। बेहोश हो गई वह, और तभी वातावरण गूंज उठा कोई की कर्कश आवाजों से। मारिया से मिलकर अभी अभी लौटा था वह। चीख उठा कब्रिस्तान। जूली, तुम्हारे खून की एक एक बूंद का हिसाब लूंगा। जूली, ये कौन है? ये कब्रों से कैसे निकल आया? उफ, कितनी दुर्गंध आ रही है। ये तुम्हारे जुर्म की दुर्गंध है कमीनो, ये तुम्हारे पापों की दुर्गंध है। और अब मैं जो करूंगा ऐसा करूंगा कि फिर कभी तुम कुछ करने लायक नहीं रह पाओगे। जबरदस्त तेवर दिखाई पड़ रहे थे प्रिंस क्रोकी भी आंखों में। उनमें से एक की कनपटियों पर एंथनी ने अपने दोनों हाथ टिका दिए
और अपने मस्तिष्क को पूर्ण रूप से एकाग्र किया। ये किसी गजानन बब्बन के बारे में सोच रहा है कि अगर ये इस लड़की को लेकर उनके पास नहीं पहुंचे तो वह इन्हें मार डालेगा। उस बदमाश के मस्तिष्क में चल रहे विचारों को पढ़ रहा था एंथनी। इसके दिमाग में उभर रही गजानन और बब्बन की तस्वीरों को परछाई रूप में मैं देख पा रहा हूँ। मुझे उनके जिस्मों को विभिन्न कोणों से याद रखना होगा पड़ेगा ताकि जब वो मेरे सामने पड़े तो मैं उन्हें उन्हीं कोणों के कारण पहचान सकूं। उसके बाद उन चारों को उसने मौत के सलीब पर टांग दिया। अपने अपने भगवानों को याद कर लो कमीनों, क्योंकि अब प्रिंस उन गड्ढों में भरेगा जिसमें तुम्हारे सिर हैं। कर्कश स्वर और कर्कश उठा। मिट्टी पर बहुत तीव्र गति के साथ चलने लगे प्रिंस के पंजे। नहीं एंथनी, नहीं, रुक जाओ, उफ, हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? आह, मुझे अपने सिर, अपने लिए तुम्हारी दुनिया से किसी चीज की कोई चाहत नहीं है क्योंकि मैं एक मुर्दा हूं, मगर तुम्हें मारकर मुझे सुकून मिलेगा और जिंदा लोगों को अमन। मैं जानता हूं प्रिंस की तू उन कमीनों की सांसों के रास्ते मिट्टी से बंद कर चुका है, मगर मौत का ये खेल अभी जारी रहेगा क्योंकि गजानन और बब्बन अभी जिंदा हैं। बेहोश पड़ी जूली के निकट पहुंचा एंथनी, और मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। जिंदगी में साथ निभाने का वायदा करके मौत से हार बैठा। अब ये विडंबना है कि मौत के बाद जो जिंदगी मुझे मिली उसे मैं तुम्हारी नहीं कह सकता। अब अपनी जिंदगी को तुम्हें खुद जीना है, खुद को जमाने से टकराने के लायक बनाकर जीना है। कुछ देर बाद मैं यहाँ कैसे पहुंची? एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हो रही है मुझे, और ये पट्टी, उफ, क्या एंथनी मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं? ये तुम्हारे और मेरे प्यार की सुगंध है जूली। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चीख उठा कब्रिस्तान के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।